हेलो भाई, मैं कृष्णा सैनी आज स्वागत करता हूँ आपका एक नई वीडियो में। तो भाई आज मैं आपके लिए जो लेकर आया हूँ ना, एकदम बिल्कुल तीनों गाड़ी सेम है भाई। तीनों गाड़ी हैं, एक ये आपकी स्प्लेंडर, ये HF डीलक्स हैं तीनों गाड़ी। तीनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पर प्राइस का डिफरेंस आ जाता है तीनों में। अब वो किस लिए आता है भाई, अगर प्राइस का डिफरेंस आ रहा है तीनों गाड़ियों में तो समझो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस इनमें भी होगा। अब क्या क्या डिफरेंस है, क्या एक पहली बात तो मैं बता दूँ, ये HF डीलक्स सेल्फ और ये है HF डीलक्स नॉन सेल्फ और ये है HF 100। तो इसका नाम HF 100 क्यों रखा गया है मैं थोड़ा सा ये भी बताने वाला हूँ आज आपको। और इन भाई गाड़ियों में कितने रुपए का अंतर आ जाता है, क्या क्या इनमें अलग मिलता है, उन चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इन गाड़ियों की। ठीक है, अब सबसे पहले करते हैं भाई HF 100 की बात। और सेल्फ, इन दोनों गाड़ियों में सिर्फ इतना डिफरेंस है, ये सेल्फ स्टार्ट है, ये नॉन सेल्फ है। ठीक है, इन दोनों में भाई 10,000 रुपये का अंतर आ जाता है, देख रहे हो। मतलब एक सेल्फ अगर आपको बढ़वाना है तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ठीक है, अब मेन बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों की। भाई ये दो गाड़ियाँ हैं, इन दोनों में क्या क्या अंतर है, क्या क्या नहीं है, सब बात करने आज हम बाहर हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको मोटर डिफरेंस बता रहा हूँ टायर का। इसमें आते हैं C8 के टायर और इसमें भाई कोई TVS वाले टायर आते हैं, देख रहे हो भाई। दोनों टायरों में काफ़ी अंतर हो जाता है फिर भी, है ना। और अब इसकी बात करें तो देखो, इधर की तरफ देखोगे आपको ये जिसका साइलेंसर है वो सिल्वर में मिल रहा है, ठीक है, स्टील में मिल रहा है इधर का। उधर भाई ब्लैक कर रखा है उसका कलर, ठीक है, एक डिफरेंस ये आ गया। इसके शॉकर को देखोगे और उसके शॉकर को देखोगे तो इन दोनों में भी काफ़ी अंतर है भाई, शॉकरों में भी। ठीक है, इसका ये ग्रैब हैंडल है और इसका ग्रैब हैंडल देखो भाई, नकली सी कोई पाइप लगा दी हो ऐसे। और भाई ज़्यादा इन सब चीज़ों को देखने के बावजूद कोई ज़्यादा डिफरेंस बड़ा भाई इनमें, मतलब पैसों में डिफरेंस नहीं है और इतनी सारी चीज़ों में डिफरेंस है। ठीक है, और देखिए उधर की साइड से मैं दिखाता हूँ, जैसे कि इधर जो पाइप आपको दिख रही है ये इसमें भाई बाहर से मतलब लगती है शायद से, मेरे को तो ऐसे ही लगता है बाहर से लगवानी पड़ेगी, ये पाइप भी नहीं मिलती इसमें, है ना। ये इतना मोटा डिफरेंस और पता है कितने, मात्र कितने पैसों में, वो मैं एंड में बताऊँगा, वीडियो में बने रहिए, वीडियो स्किप मत करना, ये वीडियो एंड तक देखना तभी समझ में आएगा। दोनों के एंड में बताऊँगा प्राइस के बारे में। और ये जो गाड़ी है HF 100 नाम से आती है, ये आपकी डीलक्स HF डीलक्स के नाम से आती है। और इन दोनों के ORVMs भी सेम है, इनका जो मीटर है ना, इनका जो मीटर है वो भी सेम है भाई, दोनों गाड़ियों का सेम मीटर है, सेम हैंडल है। हैंडल में सिर्फ इतना दिक्कत आ जाती है भाई, ये देखिए ये आपका सिल्वर में दे रखा है, ये आपका ब्लैक में दे रखा है, बस कलर डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। और अगर आप गाड़ी दोनों ख़रीदने आ रहे हो, आपको कन्फ्यूज़न है अभी भी कौन सी गाड़ी भाई ख़रीदनी चाहिए दोनों में से, तो मैं आपको बता दूँ, इस गाड़ी जो जिवाली गाड़ी है और ये गाड़ी है, इनमें भाई मात्र 3 से 4 हज़ार रुपये का फ़र्क है और भाई कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। बस इन दोनों गाड़ियों में फ़र्क है, क्योंकि ये सेल्फ है, ये नॉन सेल्फ है, वो भी नॉन सेल्फ है। ये इसमें बस 10,000 रुपये का अंतर आएगा दोनों में, और इसमें भाई मात्र 3,000 रुपये का अंतर है। 3,000 रुपये में देख रहे हो सब, वो ब्लैक मिल रहा है पार्ट उसका, अगर आपको ब्लैक ज़्यादा पसंद है तो आप फिर भी इसको ले सकते हो, ठीक है, अन्यथा आप इसकी तरफ ही देखें, मेरी तरफ में तो यही कहूँगा। और भाई अगर आप मेरा नाम लेकर आते हो शोरूम में तो आपको सर मिलेंगे, Krishna Sani 2022 यूट्यूब वाले बोल देना, या तो मेरा नाम लेकर आओ तो कोई ना कोई आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा इधर। और भाई अगर, और 2100 रुपये का डिस्काउंट तो वैसे भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगर मेरा नाम ले दोगे तो और भी आपको डिस्काउंट इसमें मिल सकते हैं। तो भाई यही थी कुछ वीडियो, यही मैं बताना चाह रहा था। और 600 CC के इंजन आते हैं सब में, आपको ये तो पता ही होगी, अगर कहोगे तो आप एक रिव्यू में इनका डाल दूंगा स्पेशल, ठीक है भाई। ये तो वीडियो करते हैं एंड, और कुछ मेरे से रह गया हो तो वीडियो में कमेंट में बता देना। तो वीडियो करते हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।